प्रचार हुआ, प्रचार के बाद अंतिम दिन है मतदान का, कितना स्वस्थ है? बहुत ज्यादा स्वस्थ है, चूंकि लड़ाई बिहार के बाढ़ के स्वाभिमान की लड़ाई, अभिमान को दूर करने की लड़ाई, स्वाभिमान को बहाल करने की लड़ाई। सब लोग से मेरा अपील है कि ज्यादा से ज्यादा शांतिपूर्ण मतदान करें और एक स्वच्छ सरकार का निर्माण करें। कई जगह शिकायत मिल रहा है कि पोलिंग एजेंट जो है वो गड़बड़ कर रहे हैं। पोलिंग एजेंट गड़बड़ कर रहे हैं, हमें तो जो जहाँ शिकायतें मिल रही है जो निर्वाचन पदाधिकारी उनको हम बता रहे हैं, और हम मानते हैं कि जो सरकार का मंशा है जो स्वच्छ और शांतिपूर्ण मतदान का, वो अपील करते हैं कि सब लोग उसमें कर साथ दें, कहीं कोई मतलब अनहोनी का ये नहीं हो। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शांति से मतदान हो, स्वच्छ मतदान हो। सुबह से लगभग 3 घंटा मतदान हो चुका है, अभी तक का ट्रेंड से आप बिहार और बाढ़ की क्या राजनीति में लग रहे हैं, आपको क्या चेंजेस होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल चेंजेस होंगे, बहुत उत्साह है लोगों में, और उत्साह के साथ आप लाइन देख लीजिए, कतार जो सुबह से यही तो लंबी लाइनें हैं, इसका साफ यह है कि लोग स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए तैयार हैं। अभिमान से जो लोग ग्रसित है, अभिमान को दूर करने के लिए लोग संपर्क संकल्प उठा लिया है। अभिमान सरकार के जो सरकार का जो अभिमान था उसको उसके खिलाफ जो लोगों के का जो निचले तबकों का जो आम लोगों का सरकार नहीं था, जो लोग कुव्यवस्था और सुशासन का दंश झेल रहे हैं, उसका उस अभिमान को तोड़ने की बात मैं कह रहा हूँ। एक खुशहाली और साफ सरकार के निर्माण के लिए ये लोग संकल्पित हैं, उस स्वाभिमान के लिए ही लोग वोट कर रहे हैं। बाद में बदलाव होना तय है, मैं आपको बता रहा हूँ। हेलो, क्या लग रहा है आपके चौथी बार सरकार बनी बाढ़ में? तक जितना लोग आज़ादी के बाद जितने लोग जीते हैं, अब मेरा भी चौथा टर्म होगा, सबसे अधिक वोट से जीते हैं। सर पोलिंग जहाँ तक मालूम है अभी तो यहाँ पोलिंग परसेंटेज कैसा, सब बूथ पे आप जा चुके हैं? अब 3 बजे तक पोलिंग परसेंटेज था लगभग 45%, अभी 3 घंटा बचा हुआ था। जी जी, 4 बजे तक तो निश्चित रूप से हमको लगता है पोलिंग परसेंटेज 50% हो गया होगा 4 बजे तक, 2 घंटा और बचा हुआ है। इस बार लगभग कितना मार्जिन से आप जीत रहे हैं सर? तो लगता है जितना चाहिए 50,000। मतदान का कैसा चल रहा है? खूब बढ़िया चल रहा है, और अभी इधर तो शांतिपूर्वक हो रहा है, लेकिन अभी हमको रिपोर्ट मिला है कि परसामा पंचायत में पैनाचक स्कूल में एक बूथ है, वहाँ पर एक साहु जी के साथ मारपीट किया है, डिस्टर्ब किया। हाँ, डिस्टर्ब किया है। तो इसकी शिकायत तो कर रहे हैं आप लोग? इसका शिकायत तो हम सब लोग के पास करेंगे, अभी तो इधर से जाएंगे तब करेंगे, लेकिन आप लोग मिल गए हैं, इसलिए आप लोग के माध्यम से हम चाहते हैं कि सभी लोग को जानकारी हो जाए कि वहाँ पर इस तरह से हो रहा है, प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और भी प्रशासन भी कहा कि ठीक है जाओ 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 जाओ, इस तरह से कर करके हटा दिया, भगा दिया है। तो ऐसे कर करके अगर प्रशासन भी अगर मतदान में इस तरह से करेंगे तो फिर किस पर भरोसा कर करके मतदाता जाएगा वोट देने के लिए? क्या नाम हुआ? मधुकर जय विजय। क्या छाप है? अलमीरा छाप, मेरा निशानी है। कैसा मतदान चल रहा है? मतदान अभी शांतिपूर्ण से है, बढ़िया है। और हम कर 5,000 वोट से हम निकल रहे हैं। बेलसी प्रखंड में अकेले हैं, बाकी बाढ़ में 17 वो सब लड़ रहे हैं। जो पुरनका विधायक थे ज्ञानू जी, उनसे तो लोग खपा ही है, उसके नाते सब हम लोग गाँव वाला सब प्रखंड के लोग बोला नहीं आप खड़ा होइए, हम खड़ा हुए, सबका सब बढ़िया सहयोग है कि हम निकल रहे हैं 5,000 वोट से। पूरा विश्वास है, पूरा पूरा यकीन है। अलमीरा इस बार भर जाएगा? अलमीरा भर जाएगा, इसलिए पहले भी वार्ड नंबर 2 में अलमीरा छाप ही था और वही जीता था, इस बार भी हमको अलमीरा छाप मिला है और यही जीतेगा। तीर अब चलने वाला नहीं है न कमल भी मुरझा गया, खटिया तो कंटा ही वाला है, वो तो चलेगा ही नहीं। अब सबको जरूरत है अलमीरा का, तो सबको अलमीरा छाप को सब खूब भारी बहुमत से जिता रहे हैं, इसमें कोई शक और सुविधा नहीं है। अब यहाँ पर चुनाव Yeah, this is the first time.
अरे बहन